बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही झटपट बनने वाली चिकन टेंडर की रेसिपी। बहुत ही आसान है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ हम इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम इसके लिए इसका स्पेशल मसाला तैयार कर लेते हैं। इसमें ले रही हूँ 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च ले रही हूँ और 1 टेबलस्पून कुटा भुना ज़ीरा ले रही हूँ, 2 टेबलस्पून कुटा भुना धनिया ले रही हूँ और साथ ही साथ ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर ले रही हूँ और 4 हरी मिर्च जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है, या आप इसे दर दरा सा कूट भी सकते हैं। इसमें ऐड कर रही हूँ 4 टेबलस्पून वाइट विनीगर ऐड कर रही हूँ और 2 टेबलस्पून जो है तेल ऐड कर रही हूँ। विनीगर नहीं है तो आप इसकी जगह पे लेमन जूस भी ले सकते हैं। थोड़ा सा नमक ले रही हूँ और साथ ही साथ इसमें ऐड कर रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टीस्पून ले रही हूँ, 1 टीस्पून सोया सॉस ऐड कर रही हूँ और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ले रही हूँ। अब बस इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। ये जो है इसका स्पेशल मसाला है, आप इस मसाले को बना के तैयार करके भी रख सकते हैं। जस्ट आप लास्ट में जो है इसमें विनीगर और सोया सॉस ऐड करके चिकन को मैरिनेट कर सकते हैं। तो मसाला तो हमारा तैयार है, तो चलिए चिकन को जो है मैरिनेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 750 ग्राम बोनलेस चिकन ले रही हूँ। आप चाहे तो विद बोन भी ले सकते हैं या चिकन क्यूब्स भी ले सकते हैं, मर्जी है आपकी, डिपेंड, आप जो अच्छा लगे वो शेप ले सकते हैं। इसे मैंने अच्छे से साफ भी कर लिया था, इसमें कुछ भी पानी नहीं होना चाहिए, एकदम सूखा होना चाहिए। अब हमने जो ये मसाला तैयार किया है, ये सारा मसाला जो है हम इसमें ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करके इसे मैरिनेट कर लेंगे। मिर्च और नमक जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। अगर आप हरी मिर्च नहीं खाते हैं तो आप उसे भी स्किप कर सकते हैं, सिर्फ चिली फ्लेक्स ही आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप चिली फ्लेक्स भी नहीं है तो लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ों को जो है मैंने इसमें धरधरा से ही ऐड किया था, कूट कर ही ऐड किया है। अब मैं देखिए इसे मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट में रख दूँगी, 15 मिनट के लिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फौरन भी आप इसे पका सकते हैं। देखिए 15 मिनट हो गया है, ये थोड़ी देर के लिए रेस्ट हो गया था। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया, इसे जो है हम लास्ट में ऐड करेंगे। हरा धनिया भी जो है थोड़ा बढ़कर ऐड कीजिएगा, उससे जो है टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसे ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लूँगी, फौरन जो है हम इसे पका लेंगे, यानी कि हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो चलिए फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैन को गरम करने के लिए रख दिया है। इसमें ऐड कर रही हूँ 5 से 6 टेबलस्पून तेल ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल भी जो है हम इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, हमें जो है हल्का रोस्ट करना है कम तेल में। सारे पीसेस जो है एक साथ ही हम इसमें फ्राई कर लेंगे, जितना बड़ा पैन होगा उतना ही हमें आसानी होगी। तो इस तरह से सारे पीसेस लेके मैं इसी में जो है ऐड करते जाऊंगी। अगर आप छोटा पैन ले रहे हैं तो 2 बैचेस में भी आप इसे फ्राई कर सकते हैं। और फ्लेम जो है मैं हाई रख रही हूँ, हाई फ्लेम पे जो है हम एक एक पीसेस लेके हम पैन में रखते जाएंगे ताकि मसाला जो है अच्छे से इसमें सेट हो जाए। अगर हम लो फ्लेम पे अगर हम इसे फर्स्ट में फ्राई करते हैं ना तो मसाला जो है बिखर जाएगा, अच्छे से कोट नहीं होगा। जैसे ही मसाला अच्छे से इसमें फिक्स्ड हो जाएगा तब जो है हम इसकी फ्लेम मीडियम करेंगे और जो भी ये मसाला रह जाता है उसे भी जो है हम ऊपर से ऐड करते जाएंगे, कुछ भी हमें वेस्ट नहीं करना। और फिर जो है मैं 5 मिनट के लिए इसे यूं ही छोड़ दूंगी। 5 मिनट तक हम इसे फ्लिप भी नहीं करेंगे। एक साइड जब अच्छी तरह से पक जाए, अच्छे से मसाला फिक्स्ड हो जाए तब जो है हम फ्लिप करेंगे। कोई भी चीज़, फिश हो या चिकन हो, जो भी आप फ्राई करते हैं फौरन आप उसे फ्लिप मत कीजिएगा। जब एक साइड मसाला अच्छे से फिक्स्ड होगा तभी जो है हम सेकेंड साइड फ्लिप करेंगे। देखिए अब मसाला जो है अच्छे से एक साइड सेट हो गया है, कलर भी देखिए खूबसूरत आ गया है। अब मैं इसे फ्लिप कर लूँगी।
और मसाला देखिए चिकन में अच्छे से कोट हो गया है, बिखरा भी नहीं है, तो इसीलिए मैंने इसे यूं ही छोड़ दिया था। जैसे ही हम सेकेंड साइड इसे फ्लिप करेंगे ना, फिर इसी तरह से हम इसे थोड़ी देर के लिए यूं ही छोड़ देंगे। जब दोनों साइड मसाला अच्छे से फिक्स्ड हो जाएगा, तब जो है हम इसे उलट पलट करते हुए या टॉस करते हुए हम इसे फ्राई कर लेंगे। चिकन है, चिकन तो जो है बहुत जल्द फ्राई हो जाता है। देखिए जैसे जैसे ये पकते जाएगा, चिकन में जो भी पानी है वो रिलीज़ होते जाएगा और जो भी फैट है वो भी रिलीज़ होते जाएगा। हमें इसमें पानी या और तेल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इसी में हम इसे फ्राई करेंगे। जब तक ये पूरा पानी इसमें जो रिलीज़ हुआ है, इसमें जो भी ये एक्स्ट्रा स्टॉक है, इसे हमें ड्राई करना है। इस तरह से टॉस करते हुए हम इसे फ्राई करते जाएंगे। चिकन तो बहुत जल्द पक जाता है, देखिए अच्छी तरह से ये पक गया है और कलर भी देखिए खूबसूरत आ गया है। बस इतना ही कलर हमें चाहिए था और ज़्यादा हम इसे कुक नहीं करेंगे। इससे जो है चिकन अंदर से भी सॉफ्ट और जूसी रहेगा, ऊपर से ये अच्छे से क्रिस्पी है। तो चलिए अब मैं इसकी फ्लेम करती हूँ बंद और देखिए चिकन को भी मैं तोड़ के बताती हूँ, अच्छे से ये गल गया है। तो चलिए ये फ्लेम को ऑफ करते हैं। गर्मा गर्म सर्व कीजिएगा आप इसे राइस के साथ या परोठों के साथ या नान के साथ, एज ए स्टार्टर भी आप इसे इंजॉय कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार है। आप इसे दावत में या किसी भी फंक्शन या फेस्टिवल में आप इसे बना सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगेगा खाने में। और इंग्रेडिएंट भी बहुत सिंपल है, ना ही इसमें कोई क्रीम है, दही है, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं है, यहाँ तक कि इसमें टमाटर ऑनियन भी नहीं है। बहुत सिंपल सी ड्राई इंग्रेडिएंट है जिससे जो है इसका फ्लेवर और इसका जायका ज़बरदस्त आया है। आप इसे ज़रूर से एक बार बनाइएगा, आपको भी ये इंशाल्लाह ज़रूर से पसंद आएगी। देखिए एक्स्ट्रा कोई मसाला अलग भी नहीं हुआ है, अच्छे से मसाला जो है चिकन में कोट हुआ है। अब ऊपर गार्निशिंग के लिए स्प्रिंकल कर रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आप चाहे तो इसमें सफ़ेद तिल से भी इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं, उससे भी देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा। और आज आप इसे सर्व करेंगे ना, उस टाइम पर जो है लेमन जूस ड्रॉप करके स्प्रिंकल करके इंजॉय कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये आज की सिंपल चिकन टेंडर की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब मुझे दीजिएगा इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगेबान।